हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। आपको पता है दोस्तों कि कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी का गठन किया था, 3 सदस्यीय कमेटी का, जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों का पता लगाएगी और उसके बाद भर्ती का ऐलान किया जाएगा। ये भी दावा किया गया था कि सितंबर लास्ट तक इस समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अक्टूबर बीतने को है लेकिन समिति की रिपोर्ट का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। यही पता लगाने के लिए छात्र पहुंचे हुए थे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा, साथ ही साथ यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हो रहा है, इस मामले में क्या प्रगति है और रिपोर्ट कब तक आएगी, कितने पदों का ब्यौरा अभी तक इकट्ठा हो गया है। तो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो देख सकते हैं। छात्रों का एक गुट पहुंचा हुआ था सचिव बेसिक शिक्षा जी के पास और ये भी 3 सदस्यीय समिति में एक अहम सदस्य हैं। छात्रों ने ज्ञापन में लिखा कि अभी तक का क्या रिपोर्ट है और कितने पद रिक्त हैं, कब तक रिपोर्ट ये सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री जी को। और छात्रों ने इसमें भी बताया कि 69,000 की सुनवाई के दौरान 51,112 पद का हलफनामा खुद सरकार ने दिया था कि हमारे पास 51,112 पद अभी भी रिक्त हैं, 68,500 की 22,000 सीटें खाली हैं। हर साल 10 से 12,000 शिक्षक बेसिक में रिटायर होते ही होते हैं, तो वैसे ही लाखों पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। फिर ये समिति किन पदों का पता लगा रही है जो कि अभी तक पता नहीं चल पाया है। सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपके किसी सवाल का जवाब दे सकूँ कि अब तक कितनी जानकारी हमें मिली है, कितने पद खाली हैं और रिपोर्ट कब तक सौंपा जा सकता है। उसके बाद छात्रों ने ज्ञापन सौंपा अध्यक्ष राजस्व परिषद को। इन्हीं की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है और मैटर यहाँ पर भी सब वही है कि 51,112 पद रिक्त हैं, 22,068,500 के रिक्त हैं और भी तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी को लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी खबर छपी हुई है कि रिक्त पद अभी तक तय नहीं है और अधर में लटकी हुई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो जिस तरह से काम इस समय चल रहा है, इस शासनकाल में भर्ती आने की जो उम्मीद है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक तो ये भी नहीं क्लियर हुआ कि समिति ने कुछ काम किया भी है या नहीं, इस समिति ने अपना काम शुरू भी किया है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। डीएलएड के छात्र स्पेशली खासा परेशान हैं और वो नई शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भविष्य में जब भी कोई आंदोलन हो, चाहे ट्विटर पर हो या फिर सड़कों पर, आप जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं जरूर सहयोग करिए। नई शिक्षक भर्ती की मांग को बहुत ही मजबूती के साथ रखने की ज़रूरत है, नहीं तो भर्ती अभी फिलहाल आने वाली नहीं है। यूपीटेट नवंबर में होगा, दिसंबर तक इसका रिजल्ट आएगा और ऐसी भी खबरें आ रही हैं किसी साल के अंत तक आचार संहिता भी लागू हो सकता है। तो सोचिए कि भर्ती कब आएगी और कैसे आएगी, और जो समिति बनी है इसका भी कुछ अता पता नहीं है। मजबूती से मांग करने की ज़रूरत है, तभी भर्ती आ सकेगी, नहीं तो फिलहाल तो भर्ती की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो यही थे इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।